आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष जी की तबीयत जब खराब हुई उसके बाद से जो है वो कार्यक्रम जो है स्थगित हो गया था, और आप लोग जान रहे हैं महीने में एक दिन आने का बेड़ा यहाँ था, यहाँ आकर के संगठन और पार्टी के कामकाज को हम लोग देखेंगे। तो अब लालू जी वापस आ रहे हैं, आज वो दिल्ली रात में पहुंच जाएंगे, अब स्वस्थ हैं, और बिहार में जिस प्रकार से फेरबदल हुआ सरकार को, तो हम लोगों की व्यवस्था जो थी वहाँ थी, इस कारणवश जो है मौका नहीं मिल पा रहा था, और जिम्मेवारी भी मिली है तो पूर्व में जैसा कार्यक्रम था महीने में एक दिन यहाँ आने का, तो हम लोग जो है उसकी शुरुआत फिर से जो है कर रहे हैं। हम लोगों की कोशिश है कि सांप्रदायिक शक्तियों को आने वाले समय में केंद्र सरकार के गद्दी पे जो लोग बैठे हैं उनको हटाया जाए, और आप सबको पता है महाराष्ट्र झारखंड में क्या खेला हो रहा था, और बीजेपी को एहसास भी नहीं हुआ कि बिहार में उनके साथ क्या हो गया। तो हम तो दुष्काम में लगे हुए थे, और यहाँ भी अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हम जा रहे हैं मुलाकात करने, उन्होंने समय दिया है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी ये चाहत है और ये कोशिश है कि सारी विपक्षी दल जो है गोलबंद होकर के चुनाव लड़े, खास तौर पे जो रीजनल्स पार्टी हैं वो जिस भी क्षेत्र में राज्यों में स्ट्रॉन्ग हैं उनको जो है मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना है। सब पार्टी की चाहत होती है कि ज़्यादा सीटों पे लड़े, लेकिन हम जो हैं विनेबिलिटी फैक्टर्स पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जो जहाँ मजबूत है उसको वहाँ जगह मिलनी चाहिए, और अगर हम अगर अपने ताकत को बढ़ाएंगे तो क्यों नहीं सक्षम होंगे और सीटों पर लड़ सकते, लेकिन पहले हमारी कोशिश है कि हमारी ताकत तो बढ़े। 25 को अमित शाह जो है बिहार भी आ रहे हैं, तो जब से उनकी सरकार गिरी है बिहार में ये लगभग तीसरा दौरा होगा बिहार। आप लोगों को बता दें जो ओल्ड बंगाल जो रहा है, यूनाइटेड बंगाल, जहाँ झारखंड बंगाल बिहार उड़ीसा ये एक राज्य थे, बीजेपी को डर वहीं से लग रहा है। तो अभी जो फिलहाल में जो सर्वे भी हुआ है तो उसमें भी जो सी वोटर्स का सर्वे हुआ उसमें भी बीजेपी की हालत जो है खराब बताई गई। 1932 को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर बाहरियों का विरोध हो रहा है कि भोजपुरी मैगी के बाद बाहरियों का विरोध हो रहा है, 1932 से खगान की बात कर रहे हैं, आपका क्या स्टैंड है? हमको इस बारे में जानकारी नहीं है, और इसलिए हम यहाँ आए हैं कि यहाँ क्या चल रहा है जानकारी प्राप्त लेकर के कुछ बोल सकते। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।